वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साईं बाबा बनी बाबा बगड़ जनिर 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन हालेलुया हे प्रभु हम पर दया कर हे प्रभु हम पर दया हे क्रिस्त हम पर दया कर हे क्रिस्त हम पर दया कर हे क्रिस्त हमारी विनती सुन हे क्रिस्त हमारी विनती सुन हे पिता ईश्वर हम पर दया कर पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर दया कर पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर सब प्रकार की विपत्तियों के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो हे प्रभु तेरी स्तुति सारी कमजोरियों के लिए प्रभु तेरी स्तुति सारे कष्टों के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो असंख्य दुखों के लिए प्रभु तेरी स्तुति सारे रोगों के लिए प्रभु तेरी स्तुति सभी असफलताओं के लिए प्रभु तेरी स्तुति सभी अपमानों के लिए प्रभु तेरी स्तुति सभी आर्थिक नुकसानों के लिए प्रभु तेरी स्तुति परिवार के सदस्यों की कमजोरियों के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो बुराई को भलाई में परिवर्तित करने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो मृत्यु से पुनरुत्थान की ओर लेकर जाने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो पवित्र वचन द्वारा हमसे बातें करने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो पवित्र वचन द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो हमें ईश्वर की संतान बनाने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो हमें पवित्र आत्मा से संचालित करने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो सभी सफलताओं के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो हमारे पाप क्षमा करने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो हमें चंगा करने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो सबका सहयोग दिलाने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो हम लोगों के बीच सम्मानित करने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो हमें पवित्रता में बढ़ाने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो विश्वास के वरदान के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो अंधकार से ज्योति मिलाने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर हे प्रभु हमें क्षमा कर हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है प्रभु हमारी विनती सुन हे प्रभु हमारी विनती सुन हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता हम पर दया कर हम पर दया कर मेरे पीछे दोहराइए हे पिता ईश्वर हे पिता ईश्वर शाश्वत ईश्वर शाश्वत ईश्वर अपने परम प्रिय पुत्र के अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दया दृष्टि डाल हृदय पर दया दृष्टि डाल जो स्तुति और प्रायश्चित जो स्तुति और प्रायश्चित पापियों के नाम पर पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया गया है तुझे चढ़ाया गया उस पर ध्यान देने की कृपा कर उस पर ध्यान देने की कृपा कर इससे प्रसन्न होकर इससे प्रसन्न होकर तेरी दया की भीख मांगने वालों को तेरी दया की भीख मांगने क्षमा कर दीजिए क्षमा कर दीजिए हालेलुया हालेलुया हमारी विनती सुन हमारी विनती सुन हालेलुया हालेलुया हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु बोल तेरा दास सुन रहा है बोल तेरा दास सुन रहा है हालेलुया 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 प्रियजनों बाइबल मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 बाइबल हमें बताती है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 कि यदि तुम बुरे होने पर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो तो मांगने वालों को पिता अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। मैं फिर से आपके लिए वचन पढ़ूंगा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा।
प्रियजनों, इस वचन पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। बाइबल हमें बताती है कि इंसान का हृदय बचपन से ही किस ओर है, बुराई की ओर है। यदि आप उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 और उससे आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, वचन 1 से पढ़ेंगे, कि जब मानव जाति की संख्या पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ने लगी और उसके पुत्रियां हुई, तब ईश पुत्रों ने देखा कि मानव पुत्रियां सुंदर हैं और उन्होंने उनमें जिनको पसंद किया उन्हें अपनी पत्नी बनाया। इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य में सदा बना नहीं रहेगा, क्योंकि वह मरणशील है। अब उसका जीवन काल 120 वर्ष का होगा। उस समय तथा उसके बाद भी जब ईश पुत्र मानव पुत्रियों से विवाह और उनसे संतान पैदा करते थे, तब पृथ्वी पर नपिलीम भी निवास करते थे। वे प्राचीन काल के शक्तिशाली और सुप्रसिद्ध वीर थे। पद संख्या 5 में लिखा है कि प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो प्रभु को इस बात का बहुत खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था और इसलिए वो बहुत दुखी था। इसलिए परमेश्वर बहुत दुखी था। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुरी प्रवृत्ति किस तरह से बढ़ती जा रही है और उसका मन किस तरह से कुंठित हो गया है और बुरे विचारों से भर गया है। इसीलिए प्रभु यीशु, प्यारे भाइयों और बहनों, वचन में हमें बताता है कि बुरे होने पर, कहने का मतलब है कि सब लोग बुरे हैं, हम लोग बुरे हैं, और प्रभु हमें बताना चाहता है। अगर आप पद संख्या 12 में पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12, तो ईश्वर ने देखा कि संसार भ्रष्टाचारी हो गया है। ईश्वर ने देखा कि संसार भ्रष्टाचारी हो गया। कब की बात है? आदम की संतति के बाद जब नूह के समय जल प्रलय आया तो भ्रष्टाचार उसी समय से कायम था, क्योंकि बाइबल इसके विषय में स्पष्ट करती है कि ईश्वर ने देखा कि संसार भ्रष्टाचारी हो गया है, क्योंकि सब शरीरधारी कुमार्ग पर चलने लगे थे। ईश्वर ने नूह से कहा कि मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया, क्योंकि उनके द्वारा संसार हिंसा से भर गया है और देखो मैं पृथ्वी के साथ उनका विनाश करूंगा। तो ये भ्रष्टाचार, ये बुराइयां, बुरी प्रवृत्ति, प्यारे भाइयों और बहनों, बचपन से ही इंसान के अंदर थी। हम बार बार पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि आदन वाटिका से ही आदम और हवा के अंदर ये बुराई व्याप्त हो गई। जब उन्होंने अपने पाप को, अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया तो ये बुराई उनके अंदर आ गई। उपदेशक ग्रंथ इस बात को और अधिक स्पष्ट करता है। यदि आप वचन पढ़ेंगे उपदेशक ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 29, बुक ऑफ एक्लेसियास्टस चैप्टर 7 वर्स 29, अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे बुराई में और प्रलोभन में मत पढ़ने दीजिए, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे सोच विचार को पवित्र कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती, उपदेशक ग्रंथ क्या कहता है? कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को बहुत सरल बनाया था, बहुत ज्यादा सरल था, लेकिन अब वो इतना ज्यादा कुंठित हो गया है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि उसने अपने आप को तर्क वितर्क से क्या कर दिया है, जटिल कर दिया है। इसलिए इंसान को समझना मुश्किल है, इसलिए इंसान को समझना मुश्किल है, क्योंकि उसने
अपने आप को तर्क वितर्क के कारण जटिल कर दिया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 22 और 23 में हम पढ़ते हैं कि बुरे और भले विचार दोनों ही कहां से निकलते हैं? मनुष्य के हृदय से निकलते हैं। बुरे और भले दोनों विचार मनुष्य के हृदय से निकलते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 22 और 23। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे प्रभु क्या हमें आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अब दूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं किए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा कि मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। ओ कुकर्मियों तुम मुझसे दूर हटो क्योंकि तुम्हारा मन और हृदय बुराई से भरा हुआ है। ये विचार प्यारे भाइयों और बहनों हमारे भीतर से निकलते हैं और हमको दूषित करते हैं। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि श्राप और आशीर्वाद इंसान की जीभ के अधीन है। आशीर्वाद और श्राप जीभ के अधीन है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति श्राप चुनता है या बुराई चुनता है तो वो बुराई लुनेगा, यदि कोई भलाई चुनता है तो वो भलाई लुनेगा। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को इस आजादी के साथ इस दुनिया में लाया और उसे संपूर्ण अधिकार दिया प्यारे भाइयों और बहनों कि वह अपनी इच्छा के अनुसार सभी कार्यों को करे और ईश्वर की कृपा में वो बढ़ता जाए और उसकी आशीष उसके जीवन में आ जाए। लेकिन स्तोत्रकार कहता है कि इस दुनिया में तो कोई भी विश्वसनीय नहीं है। अगर आप भजन संहिता 116 पद संख्या 11 पढ़ेंगे, साम नंबर 116 वर्स 11, तो वहां पर लिखा है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति विश्वसनीय नहीं, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इंसान बुराई से भरा हुआ एक मिट्टी का पुतला है। हालांकि वो अच्छे काम करता है, पुण्य के काम भी करता है, भलाई के काम भी करता है, सेवा के काम भी करता है, लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर बुराई भी भरी हुई है। इंसान अपने जीवन में तरक्की करने में असफल रहता है क्योंकि उसके जीवन में स्थिरता नहीं है, उसके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। इसीलिए कभी पाप कर लेता तो कभी पुण्य, कभी भलाई कर लेता तो कभी अच्छाई कर लेता है, तो कभी प्यारे भाइयों और बहनों कभी वो अपने जीवन में अच्छे काम करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे भी चूक जाता है। तो बाइबल में बताती है कि हम चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, यदि हम तपस्या करते हैं, यदि हम परमेश्वर से मांगते हैं, यदि हम उसकी हुजूरी में बैठकर उसकी इबादत करते हैं तो वो हमारे श्रापों को भी, हमारे अभिशापों को भी आशीर्वाद में बदल सकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 5 से। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 5 से एक सुंदर वचन है। बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 23 वर्स 5 पद संख्या 5 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यह इसलिए कि उन्होंने मिस्र से तुम्हारे निकलते समय तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया था, और इसलिए भी कि उन्होंने मेसोपोटामिया से पतोर निवासी बोर के पुत्र बिलाम को पैसा देकर तुम्हें अभिशाप देने के लिए बुलाया था। बोर के पुत्र बिलाम को पैसा देकर अभिशाप देने के लिए बुलाया था, किंतु प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने बिलाम की इच्छा के अनुसार ऐसा कुछ नहीं किया। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उसके अभिशाप को आशीर्वाद में बदल दिया था। बोलिए आमेन।
आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास कि आपके वचनों में, आपके वचनों में श्रापों को तोड़ने का, श्रापों को तोड़ने का सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। अभिशाप को आशीर्वाद में बदलने का, आशीर्वाद में सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, बाइबल हमें बताती, यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 20 में कि जब तुम निराश हो, जब तुम कष्ट में हो, तो चिंता मत करना, वो पवित्र आत्मा तुम पर आ जाएगा और तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। बोलिए आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। अध्याय 16 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं कि बाइबल हमें बताती, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद मनाएगा, और तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यह विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए एक वचन है जो हमें हौसला देता है, जो हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने की कृपा प्रदान करता है। कहता है कि उस दिन तुम मुझसे नहीं पूछोगे, ना तो कोई प्रश्न करोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। आज आप में से बहुत सारे लोग इस आराधना में भाग ले रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, असंख्य निवेदनों को रखे हुए हैं। चैट में ना जाने कितने लोग इस वक्त अपना अपना निवेदन भेज रहे हैं, प्रभु मुझे चंगाई मिल जाए, मेरा लाइलाज बीमारी से मुझे छुटकारा मिल जाए, प्रभु लकवे से, अनेक प्रकार की बीमारियों से मुझे छुटकारा मिल जाए। प्रियजनों, जैसा भाई ने कहा आज की आराधना के शुरुआत में कि हमें शारीरिक चंगाई से ज़्यादा आध्यात्मिक चंगाई की आवश्यकता है, हमें शारीरिक चंगाई से ज़्यादा आध्यात्मिक चंगाई की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी की चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कई लोग कहते हैं, सोचते हैं कि प्रार्थना क्यों करना है, थोड़ी सी कर लो, ज़्यादा समय बिताने की क्या ज़रूरत है। हम प्रार्थना तो करते हैं, सुबह खड़े होते हैं, शाम को आते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति जितना प्रभु के सानिध्य में रहता है वो उतना ही प्रबल बनता है, उतना ही सामर्थ्य उसके अंदर आता है, उतना ही वो चार्ज हो जाता है और सामर्थ्य से भर जाता है। प्रार्थना परमेश्वर का मन बदल सकती है, और ऐसा बाइबल में अनेक घटनाएं हम देखते हैं कि जहां पर परमेश्वर का मन बदल गया। नीनवे के शहर के लोगों के विषय में जब उनका विनाश करने का विचार किया था तो उन्होंने प्रार्थना किया, उपवास किया, और बाइबल कहती है कि ईश्वर ने नीनवे शहर का विनाश करने का विचार छोड़ दिया। नबी योनस का ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, हिजकिया ने प्रार्थना किया, रो रो के आंसू बहा बहा कर उसने मांगा कि प्रभु मैं अभी मरना नहीं चाहता हूं, मेरे शरीर से यह फोड़ा है, जो बीमारी है इसे आप दूर कर दे, मेरी जवानी को याद कर, मैं किस तरह से तेरी सेवा करता था, सब कुछ याद दिलाया प्रभु को। और प्रभु ने कहा, यशायाह से कहा, जाओ इससे कह दो 15 साल तक और जिएगा, अभी नहीं मरेगा वो। परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया। हालांकि परमेश्वर ने यशायाह से यह कहा था कि आज से इतने दिन के बाद ये मर जाएगा, जाओ उससे बोलो उसकी जिंदगी समाप्त होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी प्रार्थना ना केवल परमेश्वर का मन बदलने का सामर्थ्य रखती है, परंतु आपको भी बदलने का सामर्थ्य है उसमें। और आप बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, आप बदल जाएंगे तो आपका घर बदल जाएगा, आप बदल जाएंगे तो आपके घर में आपके बच्चे भी बदल जाएंगे। आप क्षमा करने वाले बन सकते हैं, आप एक दूसरे को प्रेम करने वाले बन जाएंगे, आपके बंधन टूटेंगे। प्यारे भाई प्यारी बहन, तेरा करके देखिए, तपस्या करके देखिए, प्रभु के साथ रहकर देखिए, इन वचनों पर चल के देखिए, क्योंकि प्रभु कहता है तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा, तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। और बाइबल कहती है स्त्रोत संख्या 112 पद संख्या 6 में कि तुम्हारा अंधकार ज्योति में बदल जाएगा, जो अंधकार में है वो प्रकाश में रहेंगे, तुम्हारे जीवन में उजाला होगा, महती ज्योति तुम्हारे जीवन में चमकेगी। ये परमेश्वर की भलाई है।
ये परमेश्वर का प्रेम है जो वो मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है। ये परमेश्वर की चंगाई है, ये उसका गुण है कि वो हमें देना चाहता है, वो हमसे प्रेम करता है और इसी के द्वारा वो प्रियजनों हमें सुरक्षित रखता है। बोलिए आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु, मैं आपके प्रेम के लिए, मैं आपके प्रेम धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग शायद निराश होंगे, प्रभु से ना जाने कितने सवाल करते होंगे कि आखिर मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है, मेरा बच्चा क्यों बीमार है, क्यों वो ठीक नहीं होता, क्यों इसके जीवन में ये कष्ट आया, क्यों ये बीमारी आई है। यही सवाल यीशु से भी पूछा गया था जब उन्होंने एक व्यक्ति को जो अंधा था देखा, तो फरीसियों ने आकर पूछा कि गुरुवर ये बताइए कि इसके माता पिता ने पाप किया या इसने पाप किया है, क्यों ये बीमारी इसके जीवन में है, क्यों इसके जीवन में अंधापन है। तो प्रभु ने कहा यह बीमारी इसके जीवन में इसलिए आई है ताकि ईश्वर की महिमा हो सके। तो कष्ट और परेशानी हमारी जिंदगी में हमें याद दिलाने के लिए आते हैं कि कोई व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सब जगह विद्यमान है, जिसने इस दुनिया को बनाया, जो उसने मुझे बनाया, आपको बनाया, हमें चलाता है, देखभाल करता है, जिसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ होता है, जिसकी मर्जी के मुताबिक ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, सूरज चांद उसका कहना मानते हैं, वो प्यारे भाइयों और बहनों विद्यमान है। बाइबल कहती है आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसका पावदान है। आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसका पावदान है, कहता है तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, मेरे निवास का घर कहां होगा, क्या मैं एक कमरे में छोटे से अल्टर पर रहता हूं, क्या मैं तुम्हारे मंदिरों में निवास करता हूं। यशायाह नबी के ग्रंथ में लिखता है मुझे तुम्हारे यज्ञ और तुम्हारे चढ़ावे और तुम्हारे लोबान और उसके धुएं से घृणा हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, तुम्हारा हृदय बुराई से भरा हुआ है, मैं कैसे तुम पर दया कर दूं, तुम्हारे सिक्के भी खोटे, तुम्हारे तराजू भी खोटे हैं, अन्याय से भरे हुए हो। परमेश्वर ये चाहता है कि हम प्रायश्चित करें, हम प्रायश्चित करें अपने कामों के लिए, अपनी बुरी आदतों के लिए क्षमा की याचना करें और उसके साथ बढ़ते जाएं। और उसका प्यारे भाइयों और बहनों जो प्रेम जो अटल है, जो बना रहता है, जो कभी नहीं बदलता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। और यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में लिखता है कि वो परमेश्वर प्रेम है, वो परमेश्वर प्रेम है। जिस व्यक्ति के घर में प्रेम नहीं, जिसके दिल में प्रेम नहीं, उसके घर में ईश्वर का निवास नहीं। ये मैं नहीं कहता, ये पवित्र बाइबल कहती है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8। इसलिए ये बाइबल आपको सावधान करती है जो प्यार करने में असमर्थ है, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। जो प्रेम करते हैं, जिन घरों में प्रेम है, उनमें ईश्वर का तत्व मौजूद है। और यही कारण था, यही प्रेम था जिसके बदौलत परमेश्वर ने अपने बेटे को क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया। और आप पूछेंगे कि तूने हमें कैसे प्रेम किया, तूने हमें कितना प्रेम किया, उसने बाहें फैला के हमें बताया कि उसने हमें कितना प्रेम किया है। लेकिन हम कमजोर इंसान, नादान इंसान कभी कभी उस प्रेम को प्रियजनों भूल जाते हैं। इसलिए बाइबल में कहती है कि संत पौलुस लिखता है फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19 में कि परमेश्वर आपकी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। बोलिए आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता, आप मेरी हर जरूरत को, आप मेरी हर जरूरत पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19, प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने का प्रबंध करेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। उसने इब्राहिम के लिए प्रबंध किया उस पर्वत पर जहां वो बेटे इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया था, जब उसके विश्वास की परख हो गई और वो खरा उतरा अपने विश्वास में, तो प्यारे भाई, प्यारी बहन, उस पर्वत पर प्रभु ने मेमने का प्रबंध किया और इब्राहिम ने बलि चढ़ाई और उस पर्वत का नाम रखा गया प्रभु का प्रबंध।
कि परमेश्वर प्रबंध करता है अपने चुने हुए लोगों के लिए, जो उसकी इबादत करते हैं, जो उसकी हुजूरी में रहते हैं, जो उसके पाक कलाम को सुनते हैं, जो सुनाते हैं, जो गवाही देते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, वो उन्हें देता है। इसलिए यौहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में कहता है कि अगर तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें दिया जाएगा। यौहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये वादा है आज, जो जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो चैट्स में अपने निवेदन भेज रहे हैं, आस्क एंड यू विल बी गिवन, मांगिए और आपको दिया जाएगा। लेकिन अगले वचन में ये कहता है, पद संख्या 24 में ये कहता है, अध्याय 16 पद संख्या 24 में ये कहता है कि तुमने तो मेरा नाम लेकर अभी तक कुछ मांगा ही नहीं है, तुमने तो मेरा नाम लेकर अभी तक कुछ मांगा ही नहीं है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने आप से पूछें कि हमारा मांगने का रवैया कैसा है। What is my attitude when I ask, when I pray, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा रवैया कैसा है? क्या शॉपिंग लिस्ट वाली प्रेयर है मेरे पास, या मेरी प्रार्थनाएं शॉपिंग लिस्ट है, या फिर परमेश्वर का धन्यवाद देना? देखिए, उसकी हजूरी में आना, उसकी स्तुति करना, और आप खुद ब खुद बदलते जाएंगे, आपका घर बदलता जाएगा। आप गाइए, आप नाचिए, नाचते नाचते आप चंगे हो जाएंगे, गाते गाते आप चंगे हो जाएंगे, आप शुद्ध होते जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वचन ही इतने सामर्थी हैं, वो गीत इतने सामर्थी हैं, रूह से निकले हुए वो गीत हैं, आत्मा से निकले हुए वो गीत हैं, वो बोल हैं, जो आपको शुद्ध करते जाएंगे। बस परमेश्वर को आप एक मौका देना और वो आपको चंगाई प्रदान करेगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, इस बात पर हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमें प्यार करता है। आप निराश ना हो, निराश होने से बाइबल कहती है हमारा नाश है, बल्कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास चले। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16, कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें, जिससे कि हमें दया मिले और वो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। जब आपकी जरूरत होगी तो वो आपकी सहायता करेगी, क्योंकि संत पौलुस ये लिखता है फिलिपियों के पत्र, मैंने आपके लिए वचन पढ़ा, अध्याय 4 पद संख्या 19 में, कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को और आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और यीशु कहता है कि मैं उचित समय आने पर ये सारी चीजों को पूरा कर दूंगा। ये आज उसका वादा है। इसलिए हम प्रभु से इस वक्त प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आज का वचन मेरे उद्धार के लिए, मैं इसको ग्रहण करता हूँ कि आप मेरा शोक आनंद में बदल देंगे, आप मेरे मांगने से पहले ही मेरी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, आप मेरे घर के लिए प्रबंध करेंगे, आप मेरे बेटे या बेटी के लिए वर या वधु का प्रबंध करेंगे। मैं ये विश्वास करता हूँ और वो आपके साथ ऐसा ही करेगा, क्योंकि वो अपने वादे से कभी नहीं मुकरता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू वही प्रभु है जो सदा हमारे साथ रहता है, आदि अंत अल्फा ओमेगा, हर समय बना रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप में से जितने लोग निराश हैं, निराशा छोड़कर परमेश्वर की स्तुति करने लग जाइए।